साल 2012 के निर्भया गैंगरेप का केस लड़ने वाली और हाथरस गैंगरेप एवं मर्डर मामले में पीड़ितों का पक्ष रखने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। कुशवाहा पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में बसपा में शामिल हुई। कुशवाहा ने कहा कि वह बसपा सुप्रीमो मायावती से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, मायावती ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और महिला होने के नाते वह इस वर्ग की परेशानियों एवं मुश्किलों को समझती हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। मैं ऐसे कई केस लड़ रही हूँ जिसके पीड़ित हाथरस केस जैसे दलित हैं। अब मैं कानूनी लड़ाई जारी रखने के साथ साथ कानून भी बनाना चाहती हूँ और यह केवल राजनीति में शामिल होने पर ही संभव है। सीमा कुशवाहा ने कहा कि अभी उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में फैसला नहीं किया है, लेकिन पार्टी यदि उन्हें यह जिम्मेदारी देती है तो वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बसपा में शामिल होकर समाज के वंचित वर्ग को न्याय दिलाना है।